हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप देख पा रहे होंगे मैं उत्तरकाशी आज डैम के ऊपर आया हूं, और यहां पर क्या कि पानी का लेवल आज बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्राउन इसलिए हो गया क्योंकि पीछे गंगोत्री साइड बारिश हो रही है, इसलिए जो है पानी में मिट्टी आ चुकी है, लेकिन आई डोंट केयर। और आज मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग मैं और अज्जू भाई यहाँ पर है। अज्जू भाई हाय कर दो। हेलो गाइस। और आज हम बोटिंग करेंगे, आप मेरे पीछे बोट देख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम बोटिंग करें, सो गाइस लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। वेलकम माई ब्लॉग गाइज। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी एडवेंचर्स जो भी एक्टिविटीज़ कराते हैं यहाँ पर हमें ट्रेनर मिले हैं, तो सबसे पहले मैं ट्रेनर से जानना चाहूँगा यहाँ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप पंवार है, मैं उत्तरकाशी का हूँ। अच्छा, उत्तरकाशी प्रॉपर। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स देखता हूँ। अच्छा, वाटर स्पोर्ट्स देखते हैं। और सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता था कि आपने इसकी मतलब ट्रेनिंग ली होगी पहले? ट्रेनिंग ली है टीरी से, टीरी झील से, और माउंटेनिंग की नीम से ली है। अरे बहुत बढ़िया। ये देखिए गाइस, मतलब सबसे बड़ा डैम है अभी यहाँ पर टिहरी झील, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो मतलब काफ़ी अच्छा इनको नॉलेज है। और आप क्या क्या यहाँ पर मतलब एक्टिविटीज़ करवाते हैं? हमारे पास फैमिली बोट है यहाँ पे, और जटा टेक है, कयाक है, और जिप लाइन है, वाटर जॉर्बिंग बोर्ड है। ओके। और ये जिप लाइन का जो लगा है मतलब सराउंडिंग कितना एरिया है, कितने दूर? 170 मीटर की जिप लाइन है पूरी। 170 मीटर की जिप लाइन है गाइज, मतलब यू डोंट बिलीव दैट, बहुत मज़ा आने वाला है। और हम इसको भी ट्राई करेंगे क्योंकि वैसे मुझे डर लगता है। इसमें वेट कैपेसिटी कितनी है? वेट की सर 2200 क्विंटल करीब था। 2200 क्विंटल गाइज, बहुत हैवी वेट है। मतलब मैं 90 केजी का हूँ, तो मैं इजीली इसको जो है पार कर सकता हूँ, है कि नहीं सर? तो इसमें कोई रिस्क तो नहीं है? मतलब बिल्कुल नहीं है सर, पूरी सेफ्टी के साथ आपको करवाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और जो आप बता रहे हैं मतलब इसमें चार्जेस क्या लेते हैं आप? चार्जेस बहुत कम रेट है सर, मतलब रिजनेबल है, आम आदमी भी कर सकता है। सो गाइज, इट्स वेरी वंडरफुल थिंग कि आम आदमी भी इसमें जो है इजीली लुफ्त उठा सकता है। और फैमिली के लिए भी करते हैं आप, कपल्स वगैरह? जी, फैमिली के लिए हमारे पास कयाक है, डबल सीटर कयाक है, जा सकते हैं आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, जटा टाइप भी है, वो भी फैमिली। चलो आइए इधर दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। सर मुझे बताइए इसके बारे में ना, ये फैमिली बोट है जी, ये मोटर से चलती है, इसका मोटर है। हाँ, सेम इसका है, ये भी नाम इसका जटा टैग है जी, ये भी मोटर से चलती है। बिल्कुल। और फिर आते हैं हम कयाक पे। ये कयाक है, ये सिंगल सीटर, इनमें भी अलग अलग टाइप के कयाक है हमारे पास, ये प्रोफेशनल कयाक है। अच्छा। और ये सिंपल है, ये सिंपल। इसमें कैसे बैठते हैं? इसमें तो जगह ही लग रही मुझे बैठने, ये यहाँ पे इसकी जगह है यहाँ पे बैठने के लिए। अच्छा, बैठ जाते हैं फ्लैट पैर। तो सर जितने ये मतलब पतली सी है, इनमें पलटने का डर तो नहीं होता है? इसमें ज्यादा होता है पलटने का, इसमें में। हाँ, इसमें ज्यादा ये नहीं होता है। अच्छा, इसमें रिस्क कम है? इसमें रिस्क कम है, हमारे पास डबल सीटर है। ये डबल सीटर है तो इसमें ट्रेनर भी साथ में बैठता होगा, अगर हम चाहें कि हमें ट्रेनर चाहिए तो ट्रेनर भी बैठ सकते। अगर हम चाहें कि हम दो मतलब कपल बैठना चाहते हैं और साथ में ट्रेनर, फिर वो अलग बोट से आएगा? हाँ, फिर अलग कयाक से ट्रेनर। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी जो ये आपके बतख टाइप है, ये डक बोट है? डक बोट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा साथ दिया, और हम चाहेंगे कि आप ही हमको जो है अभी बोटिंग करवाएं और इसके बाद देखते हैं। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, जैसे आपने देखा भी ट्रेनर से हमने बात की, और ट्रेनर ने हमको डिटेल में समझाया कि मतलब यहाँ कितने प्रकार की बोट है और किस तरीके से आप यहाँ पर जो है एडवेंचर्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं लाइफ जीने का। और मैं उत्तरकाशी के मेन सेंटर में यहाँ पर जो है डैम में हूँ, और इसके बाद हम यहाँ बोटिंग करेंगे। सो गाइज बने रहिए, आप वीडियो में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होने वाला है। सो लेट्स गो गाइज, स्टार्ट करते हैं।
राणा पुल। हर कोई नहीं ले पाता है गाड़ी। आप अगर उत्तरकाशी आते हैं तो जरूर एक बार आप बोटिंग करें। बोटिंग के साथ साथ आपको फुल एंजॉय देखने को मिलता है। और आप उधर देखिए, हमारे टीम के मेंबर्स भी खड़े हैं और फुल एंजॉय लेते हुए, है कि नहीं? तो गाइस, आपको जो है अगर उत्तरकाशी आते हो तो जरूर एक बार एडवेंचर करें। और आप देख सकते हैं बिल्कुल पराठे का, या सो गाइज, फाइनली अब बोटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। और अब मैं यहाँ पर जो ट्रेनर है हमारे बड़े भाई जी, मैं इनसे थोड़ा यहाँ के बारे में जानना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जी, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम विक्रम पवार है। विक्रम पवार जी, उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ। प्रॉपर लोकल? लोकल आदमी। बहुत बढ़िया भैया, आपने इसकी ट्रेनिंग की होगी पहले? ये मैं इससे पहले गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऋषिकेश होके फिर यहाँ पे मौका मिला स्टार्ट करने का, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया। ऑसम गाइज, गोवा समंदर। दो तीन साल हुआ अभी जी, मतलब हमारा अभी अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा होना बीच में कोरोना के चक्कर में थोड़ा ये हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो गाइस, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आप उत्तरकाशी आते हैं तो बोटिंग ना मिस करें। ये रिजनेबल प्राइस पे और हर आम आदमी इसको कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आप क्या है कि घर बैठे गोवा का आनंद उठा सकते हैं भाई जी के साथ। तो भाई भैया, टाइमिंग क्या रहती है आपकी यहाँ पे? मतलब किसी अगर मौसम अगर बारिश नहीं हो रही तो 8 बजे से शाम को अंधेरे होने से पहले तक, मतलब 6 बजे तक। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू वेदर चलता है। और तो छुट्टी कभी नहीं होती हमारी, छुट्टी कभी नहीं। बहुत बढ़िया, आप संडे को भी आए तो आप लोग उठा सकते हैं। संडे को तो ज्यादा रश होता होगा आई थिंक। संडे को अच्छा होता है, अच्छा रश, पूरा मार्केट और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एरिया वाले जितने भी हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो आते हैं। मतलब सो थैंक यू सो मच भैया, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बोटिंग करके। मतलब मेरे को पहले डर लग रहा था गाइस, पर भाई जी ने जब मुझे अपने बारे में बताया कि मतलब गोवा से, मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मतलब ही नहीं बनता कि डाउट हो मन में। और मैं मतलब अमेजिंग, मजा आ गया। आपने वैसे वीडियो पूरी देखी होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, और थैंक यू भाई जी, आपने हमको जो है समय दिया। सो गाइज, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन कौन है जो यहाँ पर आना चाहता है। और भाई जी के साथ रिजनेबल प्राइस पे आप यहाँ पर जो है बोटिंग का मजा उठा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और अपने नाम से कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हो तो यार भाई सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आजा हाथ दे। ऐसे बैठ जाओ। आ जाएगा तब।